नमस्कार दोस्तों, आज मेरे पास LG का 32 इंच का टीवी आया है, LED टीवी। उसमें स्टैंड बाई का प्रॉब्लम है। स्टैंड बाई रिलीज करके देख लिया, नहीं ऑन हो रहा है। इसका वोल्टेज सब चेक कर लेते हैं। वोल्टेज सही है, ग्यारह वोल्टेज सही है, ये 5 वोल्ट, ये 3.3 वोल्ट है, ये 1.,1.2 के आसपास है। यहाँ पर 3.3 वोल्टेज हो के, यहाँ पर फ्लैश पर भी 3.3 वोल्टेज हो के, ये रेगुलेटर पर 3.3 हो के, ये एडजस्ट रेगुलेटर है, यहाँ पर 1.5 आना चाहिए, नहीं आ रहा है। एक बार हम ये रेगुलेटर निकाल के चेक कर लेते हैं, फिर देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय। आज मेरे पास है 32 का LED TV LG का, बहुत रिपेयर में आया है। ये स्टैंड बाई प्रॉब्लम है, इसमें सब वोल्टेज चेक कर लेते हैं। ये 19 वोल्ट सही है, 12 वोल्ट भी सही है, 5 वोल्ट भी सही है, 3.3 भी सही है, 1.2 के आसपास ये भी सही है, 3.3 वोल्ट भी सही है, प्लेस ऐसी तो 3.3 सही है। यहाँ पर 3.3 वोल्ट इनपुट सही है और कितने को वोल्टेज नहीं है, वोल्टेज 1.5 आना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। हमें रेगुलेटर चेंज करके देख लेते हैं, बदल के फिर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से मैं रेगुलेटर निकाल दिया है, ये रहा, और दूसरा निकाला है 80J 11-17। इसको मैं यहाँ लगा कर दिखाता हूँ। ये रेगुलेटर मैंने चेंज कर दिया है, ये खराब है, मैंने चेंज कर दिया है। अब चालू करके देखते हैं, चालू हो गया। इनपुट 3.3, 1.5 वोल्ट, और ये पहला नंबर के पिन पर 27 वोल्ट, और ये पैनल के VCC वोल्टेज है यहाँ पर 12 वोल्ट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।